यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। यानी पिछले शनिवार और रविवार से मुंबई से दुबई, सऊदी, बहरीन इत्यादि गल्फ कंट्री को जाने वाली लगभग सभी उड़ानें 4 से 6 घंटे देरी से चल रही है। बड़ी तकनीकी खराबी की ये बात कहकर लगातार 2 दिनों से हवाई यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने जी न्यूज 18 को एक महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। आप भी वीडियो देखिए किस तरह लोग परेशान हैं। आपने अनाउंस भी नहीं किया अभी तक, साथ में बच्चे रहते हैं हमारे। नहीं नहीं, वो तो समझ गया। हाँ, यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चे रहते हैं, हमारे आगे की प्लानिंग है। आप लाख रुपए पे करोगे, हमने बुकिंग करी है, ₹1,00,000 पे किया। ये फ्लाइट यहाँ पर 4-5 घंटे से है, सारे पैसेंजर्स यहाँ पर परेशान हैं और ये एयर इंडिया वाले ने अनाउंस कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जो है क्या है और कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है। पैसेंजर्स को खुद से आके पूछना पड़ रहा है। लगभग हम लोग इस वक्त 4:10 हो गए हैं, 1:10 का इनका शेड्यूल टाइम था और ये फ्लाइट है सामने। ये फ्लाइट ऑपरेशन के लिए इनके पास जो है दूसरी फ्लाइट लाना चाहिए बैकअप के लिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस है, शायद इसका ब्रेक प्रॉब्लम हो गया है। लैंडिंग के वक्त जो है ये गर्म हो गई थी फ्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो 4 घंटे लेट हो चुकी है दुबई के लिए, ऐसा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कुछ टेक्नीशियन से जो अभी मेरी बात हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिन से यह फ्लाइट का शेड्यूल इनका लेट चल रहा है। बाकी के लिए भी कल भी एयर इंडिया 2.5 घंटा लेट थी कलकत्ता की फ़्लाइट, और ऐसा इन लोग बोल रहे हैं कि जो बातचीत से पता चला है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी कल बहुत सी फ्लाइटें लेट हुई है, स्पाइस जेट पे लेट हुई है गुवाहाटी के लिए। ऐसा ये 2-3 दिनों से ये कंटिन्यू चल रहा है मसला कि सारी फ्लाइटें जो है लेट होते जा रही है। ये बॉम्बे एयरपोर्ट से जो भी उड़ने वाली हैं, कल की फ़्लाइट, परसों की फ़्लाइट, एयर इंडिया का खासकर इसमें ज़्यादा योगदान है लेट लतीफ़ी में। देखिए पैसेंजर्स क्या करते हैं हाल और आगे एयर इंडिया का क्या हाल होता है। ऐसे भी खसारे में चल रही है जो इनका माहौल बना हुआ है आज की तारीख में, पैसेंजर के साथ इनका बर्ताव हो रहा है, लेट लतीफ़ी हो रही है, ये आगे कहीं ना कहीं ये भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है ऐसा कर करके। चालू यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ। मतलब जो पैसेंजर्स नहीं जाना चाह रहे हैं उनके लिए? हाँ। नहीं, मैं न्यूज से मेरा कार्ड देता हूँ आपको, विजिटिंग कार्ड, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करना मेरा हक है। मैं पैसेंजर्स हूँ खुद भी इस फ्लाइट का। भाई साहब आपका नाम क्या है? विकास, विकास प्रधान। हाँ भाई साहब बताइए ना, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हम लोग? ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी हैं यहाँ पर, ये सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। मैं जहूर सैयद, छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे से, मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के 247 से सफ़र कर रहा हूँ दुबई के लिए, और ये भाई साहब से मैं इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। तो ये भाई साहब बोलते हैं मैं कोई ज़्यादा बात आपसे नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे बताने को तैयार नहीं है, जो कि मेरा अधिकार है एज ए पैसेंजर की मैं जानूँ कि मेरी फ्लाइट क्यों लेट है, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करूँगा, मेरा हक है। आप बताइए ना फिर, या तो सही सही बोलिए, आप अभी बताइए। इंजीनियरिंग हमारा काम हो चुका है, 10 मिनट में हम लोग बोर्डिंग चालू करेंगे। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी जरा बताएंगे आप टेक्निकल, मैं आपको मेरा आईडी दिखाता हूँ। टेक्निकल का सर मुझे हमको पता नहीं, इंजीनियर को पता होता है। थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई तो बताया कोई ब्रेक का प्रॉब्लम था। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जैसे आप मेरा वीडियो निकाल रहे हो, इसके लिए मैं अभी का बता रहा हूँ। सर आई वांट टू कैंसिल, आई वांट टू टेक माय रिफंड ऑफ मनी, दे प्रॉमिस हाफ एन आवर बिफोर, दे आर नॉट गिविंग। सर वो आप मुझे कार्ड दिखा के सर। नहीं आप, आपने क्या बोला अभी, मैं थ्रेट कर रहा हूँ आप लोग, मैं इनको थ्रेट किया? नहीं नहीं, कोई बता दे मैंने इनको थ्रेट्स किया, सिर्फ मैंने जानकारी ली ना आप लोगों से, जिससे मेरी क्यों गलती है। आप ऐसा मत बोलिए, आप सुनिए ना यार, यही तो मसला है। जो एयर इंडिया वाले होते हैं ना, जो सरकारी का के बात कर सकते हो तो बोलो ना। नहीं आप पहले बच रहे, आप पहले बचने की कोशिश कर रहे थे, आप निकल नहीं रहे थे। मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो है, ये आप गलत बोल रहे हैं, कार्ड दिखा के बात नहीं कर सकते। मैं 13 साल कर सकते थे, आप जो भी यहाँ से भी हो ठीक है। नहीं क्यों नहीं बात कर सकते कार्ड दिखा के, आप मुझे बताओ क्यों नहीं कर सकते? कार्ड क्यों बता रहे सर, दिखाऊंगा ना मेरी पहचान, मैं कौन हूँ, क्यों नहीं दिखाऊंगा ना? आपका जो एलएन का वो बताएंगे ना, आप कार्ड दिखा के मतलब हम लोग क्या बताना चाहते हो? हम ये बताना चाहते हैं कि आप हमें सही सही बताएं प्रॉब्लम क्या है। आप कार्ड दिखा के, अरे भैया आप पहले सुनिए, आप जो बोल रहे हैं
मेरे को मालूम है आप भी गाड़ी लेके बात कर रहे हो। मैं ज्यादा बहस तरीके के जो है ना सिस्टम से बात करेंगे। आपको आपका है क्या कि आप अनाउंस करें, आप लोगों को बताएं पैसेंजर्स को कि हमारी फ्लाइट लेट है, क्योंकि थोड़ा लेट नहीं है। 1:10 का शेड्यूल टाइम था, आपने उसको 3:10 किया। एक बजे से साढ़े तीन हो गया, साढ़े तीन चार बजे अपडेट करना जैसा हो जाएगा वैसे 10 मिनट बोलिंग चालू कर दूँगा। और कुछ सर इन्फॉर्मेशन भाई आप फाइनल होता तो कितना टाइम? सर मैं वही बोल रहा ना, मेरा जीपीओ लगा है, मेरा एसी कूलिंग कितना टाइम जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 से 15 मिनट जाएगा, चालू कर दूँगा। क्या हाल है भैया एयरपोर्ट का? एक लाख यह है वो फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस जो पहले तो इन्होंने लगाया था, बाद में इसको बगल में कर दिया हटा के और उसकी जगह पर लगा दिया ना एयर इंडिया। अब ये कब बनेगी कब निकलेगी अल्लाह ही जाने। बेहतर क्या बोल के रहे? यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज कैंटीन पर वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।